नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में रुख करेंगे उत्तर प्रदेश से जुड़ी कुछ अहम खबरों की ओर। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर के प्रांगण में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया, जिसमें उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना। इस दौरान कुछ शिकायतों का मौके पर निपटारा कर दिया गया, वहीं कुछ शिकायतों के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। इसी बीच रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने इस वक्त की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ के आज के कार्यक्रमों को लेकर यह बड़ी खबर सामने। उत्तराखंड और दिल्ली दौरे पर रहने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ 12:40 पर देहरादून पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री योगी जोली ग्रांट अस्पताल में भर्ती अपनी मां से मुलाकात करेंगे। आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ की माताजी तबीयत बिगड़ने के चलते अस्पताल में भर्ती है। देहरादून के बाद दिल्ली दौरे पर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। लगभग 3 बजे दिल्ली पहुंचेंगे सीएम योगी। यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सीएम योगी आदित्यनाथ के आज के कार्यक्रमों को लेकर सामने। सीएम योगी आदित्यनाथ आज उत्तराखंड और दिल्ली के दौरे पर रहने वाले हैं। आपको बता दें, उत्तराखंड और दिल्ली दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इस वक्त की यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। 12:40 पर देहरादून पहुंचेंगे और जॉली ग्रांट अस्पताल में अपनी मां से मुलाकात करेंगे। आपको बता दें, तबीयत बिगड़ने के चलते सीएम योगी की मां अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं देहरादून के बाद सीएम योगी दिल्ली दौरे पर रवाना होंगे। लगभग 3 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ नई दिल्ली पहुंचेंगे, जहां पर विधानसभा उपचुनाव को लेकर मंथन होना है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के आज के कार्यक्रमों को लेकर ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। सीएम योगी आदित्यनाथ आज उत्तराखंड और दिल्ली के दौरे पर रहने वाले। वहीं उत्तराखंड में देहरादून पहुंचेंगे 12:40 पर, जहां पर जॉली ग्रांट अस्पताल में अपनी मां से मुलाकात करेंगे। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ देहरादून से हमारे सहयोगी नवीन शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए। नवीन, आपसे जानना चाहेंगे, सीएम योगी आदित्यनाथ आज उत्तराखंड के दौरे पर रहने वाले, देहरादून पहुंचेंगे, क्या कुछ अपडेट सामने? जी अमन, आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड दौरे पे आ रहे हैं और कहीं ना कहीं उनका जो दौरा है वह जो है वो प्राइवेट दौरा कहा जा रहा है, क्योंकि उनकी माता की जो तबीयत है वो खराब है और पिछले दिनों से उन्हें चिकित्सालय जो राजधानी देहरादून के जॉली ग्रांट में स्थित चिकित्सालय है वहां पर हिमालयन चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, तो वह अपने माँ का हाल जानने के लिए आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो उनका जो दौरा है वो प्राइवेट है और इसको लेकर तमाम जो तैयारियां हैं, व्यवस्थाएं हैं, उसे दुरुस्त करने का काम किया गया है। पुलिस प्रशासन की अपनी एक तैयारी है, सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से रखी जाए उसका विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है और कहीं ना कहीं वह करीब जो समय बताया जा रहा है कि 12:40 के करीब में वह जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां पर वह वहां से फिर वह हिमालयन हॉस्पिटल के लिए निकलेंगे, जहां पे वह अपनी माँ से मुलाकात करेंगे और उनका कुशल क्षेम जानेंगे। तो कहीं ना कहीं दौरे को लेकर तमाम सारी तैयारियां की गई है, चाहे पुलिस प्रशासन की बात की जाए या फिर अन्य व्यवस्थाओं की बात की जाए, तो उन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम किया गया है। और कहीं ना कहीं बातें सामने आ रही थी कि जो योगी आदित्यनाथ का दौरा है उसके समय टाइमिंग क्या है, लेकिन अब जो टाइमिंग है करीब 12:40 की टाइमिंग रखी गई है, जिसको लेकर तमाम जो आला अधिकारी हैं वह अपनी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। साथ ही जो चिकित्सालय परिसर है वहां की जो व्यवस्थाएं हैं उसे चाक चौबंद करने का काम किया गया है। करीब 12:40 के करीब में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे, इसके बाद वह फिर हिमालयन जो चिकित्सालय है वहां के लिए वह प्रस्थान करेंगे। साथ ही नवीन, आपको आपसे जानना चाहूंगा, सीएम योगी की मां को लेकर ताजा स्वास्थ्य अपडेट क्या कुछ कह रहा है? नवीन, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जो उनका हेल्थ बुलेटिन है अभी वो जारी नहीं किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके जो स्वास्थ्य का है लगातार जो चिकित्सक है वो परीक्षण करने में लगे हुए हैं और जो हेल्थ बुलेटिन होता है वो चिकित्सालय की तरफ से जारी किया जाता है, लेकिन ऐसे कोई हेल्थ बुलेटिन नहीं जारी किया गया है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि वो अपने स्वास्थ्य परीक्षण के लिए वहां पर उन्हें रखा गया है और करीब 2-3 दिन से वहां पर उन्हें रखा गया है और उनकी तबीयत में अब थोड़ी सुधार भी है। सीएम योगी की मां की तबीयत बिगड़ी है, ऐसे में आज सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के दौरे पर हैं।
आपको बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ के आज के कार्यक्रमों को लेकर उत्तराखंड और दिल्ली के दौरे पर रहने वाले, बहुत बहुत धन्यवाद नवीन जी तमाम जानकारी के लिए। उत्तराखंड के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली का रुख करेंगे, जहां पर विधानसभा उपचुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी आलाकमान के साथ मंथन होना है। आपको बता दें 12:40 पर देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जिसके बाद से हिमालयन चिकित्सालय में एडमिट अपनी मां से सीएम योगी आदित्यनाथ मुलाकात करेंगे। इसी बीच रुक करेंगे दिल्ली से अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी दिल्ली से सामने। इस वक्त की यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी उपचुनाव को लेकर दिल्ली में आज बड़ी बैठक प्रस्तावित है। गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में शामिल होंगे। वहीं दोनों डिप्टी सीएम भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी इस बैठक में शामिल होंगे। उपचुनावों को लेकर इस दौरान मंथन किया जाएगा। यह बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। यूपी विधानसभा उपचुनाव को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली दौरे पर रहने वाले हैं। इस दौरान गृहमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा की अध्यक्षता में एक बड़ी बैठक होनी है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। वहीं दोनों डिप्टी सीएम भी इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। साथ ही यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी इस बैठक का हिस्सा रहेंगे। विधानसभा उपचुनावों को लेकर इस दौरान मंथन किया जाएगा। क्या कुछ रणनीति रहेगी भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा उपचुनावों को लेकर, तमाम रणनीति पर इस दौरान मंथन किया जाना है। किस तरह से उम्मीदवारों का चयन हो, दोनों डिप्टी सीएम भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। साथ ही भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतरेगी, तमाम रणनीतियों पर इस दौरान चर्चा की जानी है। यूपी उपचुनाव को लेकर दिल्ली में आज बड़ी बैठक प्रस्तावित है। गृहमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में शामिल होंगे। साथ ही आपको बता दें दोनों डिप्टी सीएम भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी इस बैठक में शामिल होंगे। क्या कुछ रणनीति भारतीय जनता पार्टी की इन विधानसभा उपचुनावों को लेकर रहेगी, इसे लेकर चर्चा की जानी है। साथ ही गृहमंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए। स्पर्श, आपसे जानना चाहेंगे, सीएम योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली दौरे पर रहने वाले, विधानसभा उपचुनावों को लेकर एक बड़ी बैठक आज होनी है, क्या कुछ अपडेट सामने? देखिए बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरे पर देखने को मिलेंगे। दोपहर 3 बजे के आसपास यूपी के जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ वो दिल्ली पहुंचेंगे और आज दिल्ली में उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर बड़ी बैठक होने वाली है। इस बैठक की अध्यक्षता जेपी नड्डा और अमित शाह करते हुए नजर आएंगे। इस बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे, यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, इसके अलावा दोनों डिप्टी सीएम और प्रदेश के जो संगठन महामंत्री है वो इस बैठक में जो है शिरकत करेंगे। इस बैठक की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव होना है, जिसको लेकर सियासी हलचल जो है काफी तेज देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। हालांकि अभी तक अगर हम बात करते हैं तो उपचुनाव को लेकर जो तारीखों का ऐलान है वो जो है नहीं होता हुआ नजर आया, लेकिन अभी जो है सीधे तौर पर बात करें तो बीजेपी अभी से ही जो है जो तैयारियां हैं वो करती हुई नजर आती है और इसी के संदर्भ में आज बैठक होती हुई नजर आएगी और जो है किस तरीके से उपचुनाव लड़ना है, क्या वो बीजेपी सिंगल जो है अकेले दम पर चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी या फिर जो उनके एनडीए के साथ तहत जो घटक दल है उनके साथ में जो है जो बीजेपी है वो चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी। उसकी अभी की स्थिति की बात करते हैं तो 10 सीटों में से जो 5 सीटें हैं वो समाजवादी पार्टी के पास देखने को मिलती हुई नजर आती है और बाकी 3 सीटें बीजेपी और 1-1 सीट जो है आरएलडी और निषाद पार्टी के पास देखने को मिलती हुई नजर आती है। तो ऐसे में किन समीकरणों के साथ टिकट वितरण करना है, गठबंधन के साथ जो है चुनाव लड़ना है, अकेले चुनाव लड़ना है, ऐसे तमाम विषयों को लेकर आज की जो बैठक है उसमें जो है बड़ी बैठक में चर्चा होती हुई जो है नजर आएगी। ऐसे में स्पर्श आपसे जानना चाहेंगे, लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश के जो नतीजे रहे वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चिंता का विषय रहे, ऐसे में विधानसभा उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए किस तरह से महत्व रखने वाले हैं, क्योंकि इसके बाद से 27 के चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी अभी से ही तैयारी करती नजर आ रही है।
देखिए आप निश्चित तौर पर जिस तरीके के चुनाव के नतीजे लोकसभा के निकलकर सामने आए थे उत्तर प्रदेश में, और समाजवादी पार्टी खासतौर पर एक बड़ी चुनौती सामने देखने को मिलती हुई नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी के सामने। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के खिलाफ किस तरीके से जो है उम्मीदवार मैदान में उतारे जाएंगे ये महत्वपूर्ण रहेगा। और हाल फिलहाल में जो हरियाणा के चुनाव में उसमें भारतीय जनता पार्टी ने सबको चौंकाया है, तो क्या उत्तर प्रदेश में भी इसी प्रकार की स्थिति जो है देखने को मिलती हुई नजर आएगी चौंकाने वाली, ये महत्वपूर्ण जो है देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। क्योंकि 10 सीटों की बात करें तो उनमें से जो 5 सीटें हैं वो इस वक्त समाजवादी पार्टी के पास में देखने को मिलती हुई नजर आती है। हालांकि अभी ये स्थिति स्पष्ट नहीं है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ मिलकर चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, लेकिन बीजेपी जो है अभी से चुनाव की तैयारियों में जुटती हुई नजर आ रही है, जहां पर आज देर शाम को जो अलग अलग सीटें हैं उन पर जो है एक विस्तृत चर्चा होती हुई नजर आएगी। हो सकता है कि इन सीटों पर जो पैनल है वो जो है बना लिए जाएंगे जो है, और सही प्रसारित जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं एक एक सीट पर जो 3-3 नाम है उनको जो है सीधे तौर पर जो चर्चा है वो होती हुई नजर आएगी। क्योंकि अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी ने 6 सीटों पर जो प्रत्याशियों का ऐलान है वो अभी से कर दिया है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भी ये चाहेगी कि जल्द जो प्रत्याशियों का ऐलान है वो देखने को मिलता हुआ जो है नजर आए, ताकि उसको एक पर्याप्त समय जो है वो तैयारियों के हिसाब से जो है तमाम उम्मीदवारों को मिलता हुआ नजर आए। और इसी को लेकर हम देखेंगे कि किस तरीके से आज जो है जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है वो करीब 3 बजे यूपी सदन पहुंचने में नजर आएंगे, और देर शाम होते होते अगर हम बात करते हैं तो जेपी नड्डा और अमित शाह की अध्यक्षता में जो बैठक है वो देखने को मिलती हुई नजर आएगी। ऐसे में स्पर्श आपकी अगर दृष्टिकोण की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ ऐसे फैक्टर हैं जिनको ध्यान में रखते हुए अपने उम्मीदवारों का चयन कर सकती है, क्योंकि विधानसभा उपचुनाव ही आगामी विधानसभा चुनावों के लिए एक प्रतिबिंब दिखाने का काम करेंगे, क्योंकि 2027 के चुनाव भी नजदीक हैं। ऐसे में विधानसभा उपचुनाव को भारतीय जनता पार्टी काफी सीरियसनेस के साथ लेती हुई नजर आ रही है। देखिए बिल्कुल विधानसभा उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी काफी सीरियस है, तमाम समीकरण काटे जाएंगे, क्षेत्रीय समीकरण होते हैं, जातिगत समीकरण होते हैं, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की 6 सीटें मैदान में जो है ऑलरेडी जो है प्रत्याशियों के तौर पर उतर गई है, उसमें 4 सीटें पिछड़े वर्ग को दी गई है, दलित वर्ग को दी गई है, जबकि 2 सीटों पर जो मुस्लिम चेहरा है वो समाजवादी पार्टी की तरफ से जो है उतारा गया है। तो ऐसे में आज जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी है वो किस तरीके से तमाम समीकरणों को उतारते हुए, जिसमें क्षेत्रीय समीकरण होते हैं, जातीय समीकरण होते हैं, गठबंधन होता है, ऐसे तमाम समीकरणों को उतारते हुए किस तरीके से जो प्रत्याशी है उनको मैदान में उतारती हुई जो है नजर आ सकती है, इसी को लेकर हम देखेंगे कि देर शाम को जो बड़ी बैठक है वो दिल्ली दौरे के दौरान जो है वो जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है करते हुए नजर आएंगे। अगर स्पर्श इसमें हरियाणा के कनेक्शन को लेकर चला जाए तो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जातिगत समीकरण देखते हुए अपने कैंडिडेटों का चयन किया, और जो नतीजे सामने आए वो सभी ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में ऐतिहासिक बहुमत मिलता हुआ नजर आया। तो क्या कुछ ऐसी ही रणनीति उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी लेकर चल सकती? देखिए बिल्कुल तमाम समीकरणों को साधते हुए भारतीय जनता पार्टी जो है चलती हुई नजर आ सकती है, लेकिन इतना आसान भारतीय जनता पार्टी के लिए भी नहीं होगा, क्योंकि जो गठबंधन की जो पार्टियां हैं RLD की बात करें या फिर जो निषाद पार्टी है उनकी बात करें, वो अपने अपनी तरफ से 2-2 सीटें जो है मांगती हुई नजर आ रही है, यानी 2 सीट RLD मांगती हुई नजर आ रही है, 2 सीटें निषाद पार्टी मांगती हुई नजर आ रही है, तो ऐसे में बीजेपी क्या 4 सीटें इन दोनों पार्टियों को देती हुई जो है नजर आएगी, या फिर बीजेपी एक एक सीट देती हुई नजर आएगी, ये महत्वपूर्ण देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे में समीकरण जो है तमाम साधे जाएंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, क्योंकि अलग अलग सीटों के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो जो अलग अलग समीकरण है वो देखने को मिलते हुए नजर आते हैं। कुंदर की विधानसभा सीट, गृहमंत्री अमित शाह जेपी नड्डा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद स्पर्श तमाम जानकारी के लिए। सीएम योगी आदित्यनाथ भी बैठक में शामिल होंगे। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे। सड़क सुरक्षा फोर्स पंजाब लिख रही है नई दास्तान। सिर्फ 6 महीनों में सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु में लगभग 45% की कमी आई है। इस बार SSF करके किनिया मौतें कट गया, जे 50% भी घटा लिया 3000 बंदे की जान बच जूगी जी, 3000 बंदे की।
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के एक कदम ने तस्वीर बदल कर रख दी। नतीजा, पंजाब को मिली एक ऐसी फोर्स जो पंजाब में सड़क सुरक्षा को लेकर समर्पित है। ऐसे बड़े रहते थे जी रोड पे, कोई पूछने वाला नहीं था जी कि एक्सीडेंट हो गया, जरूरत है किसी चीज की। पर अब एक कॉल करो, बंदे हाजिर। एसएसएफ सिर्फ दुर्घटनाग्रस्तों की मदद ही नहीं करती, बल्कि ये सुनिश्चित भी करती है कि किसी भी हाल में सड़क सुरक्षा से कोई समझौता ना हो। हमारा मोटिव है एक सेकंड गवाए बिना राहत पहुंचाना हर कीमत पर। वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी से लैस, मुश्किल से मुश्किल स्थिति का सामना करने में पूरी तरह सक्षम। अब तो अकेले ट्रैवल करने में भी डर नहीं लगता, क्योंकि पता है एसएसएफ इज जस्ट अ कॉल अवे। जय हिंद जी, पंजाब पुलिस कंट्रोल रूम 112। अपने फर्ज के लिए हमेशा तैयार, जिसका रिस्पांस टाइम है तेज, बहुत तेज। उस दिन अगर जरा सी भी देर हो जाती तो कुछ भी हो सकता था। सिर्फ 6 महीनों में सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु में लगभग 45% की कमी आई है। सड़क सुरक्षा फोर्स पंजाब, हर सफर में साथ हमारा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता टीवी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। वहीं मंत्री जयवीर सिंह ने उपचुनाव को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने पूरी तैयारी कर ली है, हम लोगों से जुड़ रहे हैं, हमें पूरा भरोसा है कि 10 की 10 सीटों पर कमल का फूल जरूर खिलेगा। भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी की है, लोगों से जुड़ रहे हैं, एक एक बूथ तक हमारा संगठन पहुंच रहा है और हमें लगता है कि 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में परिणाम देने का काम समस्त मतदाता भाइयों की तरफ से आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में मिलेगा। कोई प्रत्याशी होगा, कमल का निशान लगेगा, कमल खिलेगा और कमल के निशान पर ही पूरी ताकत से जो भी प्रत्याशी हमारा संगठन के द्वारा, शीर्ष नेतृत्व के द्वारा तय किया जाएगा, उसके लिए सारे लोग जिताने का काम करेंगे। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी अजीत गुट के नेता बाबा सिद्दीकी की मुंबई में के बांद्रा ईस्ट में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि उनको सीने और पेट में 2-3 गोलियां लगी हैं। दरअसल वो अपने बेटे जशांत सिद्दीकी के दफ्तर गए हुए थे, उसी वक्त उन पर अचानक गोलीबारी हो गई। वहीं पुलिस ने बाबा सिद्दीकी पर हमला करने वाले 2 शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें करनैल सिंह हरियाणा का रहने वाला है, जबकि दूसरा आरोपी धर्मराज कश्यप उत्तर प्रदेश का है। वहीं तीसरा आरोपी फिलहाल फरार है। फिलहाल मामले में यूपी कनेक्शन सामने आने के बाद अब यूपी एसटीएफ भी जांच में जुट गई है। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ मामन खान हमारे सहयोगी मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मामन, आपसे जानना चाहेंगे, बाबा सिद्दीकी की बीते दिनों हत्या कर दी गई, जिसमें उत्तर प्रदेश का एंगल भी निकलकर सामने आया, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले में फिलहाल सामने है? एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की मुंबई में हत्या कर दी गई। बाबा सिद्दीकी की हत्या में यूपी कनेक्शन भी सामने आया। इसमें गिरफ्तार 2 आरोपियों में से एक आरोपी यूपी का निवासी बताया जा रहा है। 3 आरोपियों ने कल रात वारदात को अंजाम दिया। हत्या में लॉरेंस गैंग के शामिल होने की भी आशंका है। जो 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, उनमें से एक हरियाणा का निवासी बताया जा रहा है, वहीं दूसरा आरोपी उत्तर प्रदेश का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, वहीं एक आरोपी फिलहाल इस मामले में फरार चल रहा है। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे वरिष्ठ सहयोगी टीएन मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। टीएन मिश्रा जी, आपसे जानना चाहेंगे, बाबा सिद्दीकी की बीते दिनों मुंबई में हत्या की गई, अब इस पूरे मामले में यूपी कनेक्शन भी सामने आ रहा है, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले में फिलहाल सामने? हेलो हेलो हेलो,
टीएन मिश्रा जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी, आपकी आवाज आ रही है, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज मिल पा रही है। मैं आपसे जानना चाहूंगा बाबा सिद्दीकी की इस पूरी हत्या में अब उत्तर प्रदेश का कनेक्शन निकलकर सामने आया, इस आरोपी को लेकर क्या कोई अपडेट फिलहाल सामने आ रही है? आरोपी को जो है नाम तो सामने है, लेकिन पता इसका एसपीएम से गुप्त रखा हुआ है। एसपीएम इसकी जानकारी कर रही है और जानकारी ले रही है। तो ये माना जा रहा है लालच बिस्मिल गैंग की जो हत्या जो कराई है, इस शूटर को पहले से इन्होंने रिवॉल्वर जो है कोरिया से भेजी थी और इसका भुगतान भी पहले कर दिया था। तो हाल ही के शूटर से इसके शामिल होने से थोड़ा यूपी की तबीयत भी हुई है, लेकिन एसपीएम दावा कर रही है कि जैसे इसका पूरा डिटेल मिलेगा हम इसकी पहचान करके और पूरे मामले का जो बाबा सिद्दीकी की हत्या में मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई, जिसमें उत्तर प्रदेश का एंगल भी निकलकर सामने आया। तीन आरोपियों ने कल रात वारदात को अंजाम दिया था। बहुत बहुत धन्यवाद टीएन मिश्रा जी तमाम जानकारी के लिए। हत्या में लॉरेंस गैंग के भी शामिल होने की पूरी तरीके से आशंका है। बुलेटिन में रुक करेंगे ताबड़तोड़ खबरों की ओर। मथुरा में फर्नीचर के गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों का माल जलकर हुआ था। बाराबंकी में जमीनी विवाद में जमकर चले लाठी डंडे, बीच बचाव में महिला की मौत, अस्पताल में कराए पर। सीतापुर में गन्ने के खेत के पास मिला एक लड़की का शव, इलाके में फैली सनसनी, मामले की जांच कर रही पुलिस। आजमगढ़ में पुलिस को मिली सफलता, सोशल मीडिया पर धोखाधड़ी करने वाले लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बहराइच के रामलीला ग्राउंड में मनाया गया विजयदशमी का पर्व, जलाए गए रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले। बदायूं में भी धूमधाम से मनाया गया विजयदशमी का पर्व, धूं धूं कर जला रावण का पुतला। अमरोहा में बड़े उत्साह के साथ मनाया गया विजयदशमी का पर्व, रावण वध के बाद धू धू कर जला रावण का पुतला। मेरठ में दो दिन से आंदोलन पर बैठे सपा विधायक, कतुल प्रधान महंगी शिक्षा और महंगे स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर फूंका पुतला। प्रतापगढ़ में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुआ हादसा, करंट लगने से झुलसे छह लोग, अस्पताल में कराया गया भर्ती। चित्रकूट में धूमधाम से मनाया गया विजयदशमी का पर्व, रावण मेघनाथ और कुंभकर्ण के जलाए गए पुतले। बरेली में श्री शिरडी साई सर्वदेव मंदिर में की गई पूजा, हजारों भक्तों ने ग्रहण किया प्रसाद। फिरोजाबाद में साइबर क्राइम पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पूर्व सीएमओ से 3,65,000 रुपए की ठगी करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। बरेली में मनोना धाम आए व्यक्ति की मिली लाश, पुलिस कर रही मामले की जांच। रायबरेली में अज्ञात कारणों से डंपर में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला का शव मिलने से फैली सनसनी, फांसी के फंदे से लटकता मिला संगीता का शव, पुलिस कर रही मामले की जांच। देवरिया में साड़ी की दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। बुलंदशहर में पुलिस ने किया 1.5 लाख का इनामी बदमाश ढेर, बदमाश पर 50 से अधिक मुकदमे हैं दर्ज। प्रयागराज में बाबा के बुलडोजर वाले गाने पर डांस करते दिखे मंत्री नंद गोपाल नंदी, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। सहारनपुर में सीएम ग्रिड योजना के तहत सड़क का किया जा रहा निर्माण, महापौर और विधायक ने किया शुभारंभ। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कहीं जाए कहीं जनता डे पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी, तब तक के लिए नमस्कार।